नमस्कार, यूपीएन की रोहित में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। रहिए यूवीएन 08, ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। रिपोर्टर दयाराम चंद्रवंशी की रिपोर्ट। प्रगतिशील भारती गुजराती भलाई सेवा संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत पिपलौर जिला उज्जैन सागवती माता मंदिर समाज के वरिष्ठ स्वर्गीय नंदराम जी परमार दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय सह सचिव राजू धानक, प्रदेश अध्यक्ष राकेश बाबू डाबी, मोहन लाल सोलंकी, आत्माराम सरवटे, एडवोकेट जवसी परमार, मदन मकवाना, घनश्याम धानक, सुनील मीणा, जानकी परमार, राधेश्याम परमार, भरन निबोल, मुकेश राठौर आदि समाज जन शामिल हुए। उज्जैन नागदा 26 नवंबर जिले के औद्योगिक नगर नागदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को एक गरीब बस्ती में अभिनव कार्यक्रम रखा। सड़क पर चिलचिलाती धूप में कुर्सी लगाकर संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। बाद में मुख्यमंत्री यहां केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की पुत्रवधु चंद्रकला के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने आए। सरकारी विभाग तो इस भारत के संविधान के उद्देश्य का पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में आज ये पढ़ी जा रही है। तो मैं इसका शपथ दिलाने के लिए हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हमारे बीच में डॉक्टर फराशा जी से निवेदन करूँ कि वह एक सब बोलेंगे और हम उनके साथ शपथ देंगे। तो भारत का संविधान लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा हम सबको व्यक्ति की गरिमा